मैं प्रगति फ्रॉम प्रगति प्रोग्रेस क्लासेस, मैं आज बात करूंगी कि आपको अपने बच्चे को ट्यूशन भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। अक्सर पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को ट्यूशन भेजना है या नहीं, उनको लगता है ट्यूशन बर्डन हो जाएगा। तो ट्यूशन आप पहले सेलेक्ट कीजिए, अच्छा ट्यूशन सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे टीचर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाती हैं। जो टीचर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसी में वो हेल्प करते हैं, देन ट्यूशन इज गुड। इफ एनी टीचर टीच आउट ऑफ सिलेबस, इस तरह का ट्यूशन बच्चों के लिए बर्डन हो जाता है। अदरवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ाते हैं वो बच्चे के लिए हेल्पफुल होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमें ट्यूशन नहीं भेजना है घर, तो आप घर पे ही उनको पढ़ाइए, बट आप एक प्रॉपर टाइम, है ना, प्रॉपर टाइम लीजिए कि हाँ 3 to 4 हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, 4 to 5 पढ़ाएंगे, लेकिन उस टाइमिंग को डेली रिपीट कीजिए। ऐसा ना हो कि आज आपके यहाँ गेस्ट आ गए, आज आपके यहाँ कोई फंक्शन है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए आप उस टाइम पे नहीं पढ़ा पाते। लेकिन बच्चों को जब वो टाइम से बैठेंगे ना, तो क्या होगा, वो रूटीन में रहेंगे कि इतने बजे उन्होंने लंच किया, इतने बजे तक रेस्ट करना है, इतने बजे से पढ़ाई करनी है। और अगर घर पे आप इस तरह से ध्यान रखती हैं, टाइमिंग से पढ़ाती हैं और जो सिलेबस उनका है उनके अकॉर्डिंग आप पढ़ा पाती हैं, तो नॉट रिक्वायरमेंट फॉर ट्यूशन, एंड बच्चे खुद से सब कर पाएंगे आपके हेल्प से। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले टीचर हैं और आप उनके पास भेजते हैं, तो उस वो हेल्पफुल है आपके बच्चे के लिए। और ट्यूशन का एक फ़ायदा और भी है, क्योंकि बच्चे जहाँ पे ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे उनसे तेज हैं, उन्हीं के क्लास के बच्चे उनसे तेज हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे भी इनके जैसा होना है, मेरे ही क्लास के हैं और ये तो इतने इंटेलिजेंट हैं, तो वो भी कंपटीशन की भावना उनके अंदर आ जाती है और वो भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और बच्चे जब अकेले पढ़ने बैठते हैं ना, तो उनको लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं वो पढ़ाई उनको काम जैसा लगता है, पढ़ाई तो कर रहा हूँ लेकिन पढ़ाई उनको काम जैसा लगता है। लेकिन वही बच्चे जब 2 बच्चे के साथ 4 बच्चे के साथ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको इंटरेस्ट आता है, वो बच्चे से मिलते हैं जुलते हैं, तो उनमें उनको ट्यूशन में पढ़ाई में उनको इंटरेस्ट आता है। और घर पे भी अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप साथ में लेके बैठती हैं टाइम से, तो उनमें भी उनको इंटरेस्ट आएगा। पढ़ाई को हमेशा इंटरेस्टेड बनाना चाहिए, अदरवाइज बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ट्यूशन इज गुड फॉर चिल्ड्रेन, आपको भेजना चाहिए ट्यूशन, तो दोनों अच्छा है। लेकिन आप देखिए, अगर आपसे ये नहीं हो पाता है फिर आपको ट्यूशन भेजना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like my video, then comment, subscribe and like.